साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इससे पिछली जो हमारी कक्षा थी, कल जो कक्षा हमने ली थी, उसमें हमने वर्णमाला जो है उसमें कितने वर्ण हैं, कौन कौन से होते हैं, 52 वर्ण कौन से हैं हमारे, और मूल वर्ण कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन, थोड़ी बहुत इनकी सामान्य हमने परिचय किया था इसमें। अभी हम आज और आज के बाद होने वाली कक्षाओं में इन सभी टॉपिक्स पर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। आज हम पूरी तरह से, आज की जो कक्षा है वो इसमें से एक टॉपिक जो हमारा है स्वर, उस स्वर को लेकर हम बात करेंगे। कल हमने केवल ये जाना था कि स्वर, ये 11 हमारे स्वर होते हैं। आज हम उस टॉपिक को विस्तार से जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, किस प्रकार उनका उपयोग होता है, इनकी मात्राएँ कैसे बनती हैं, और ये जो 11 स्वर हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, ये सब बात हम लोग आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं, देखेंगे। स्वर, देखो पहली बात तो कि स्वर कहते किसे हैं और स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। स्वर क्या होता है, ये भी वर्ण है और व्यंजन भी वर्ण है। तो स्वर में क्या होता है कि जब हम उसका उच्चारण करते हैं स्वर का, तो जो हवा होती है, किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हवा मुख से बाहर निकलती है। तो जब हवा मुख से बाहर निकलती है तो एक तो हवा सीधी सीधी बाहर निकल जाती है बिना किसी रुकावट के, और दूसरे में क्या होती है, हवा बाहर निकलती है लेकिन रुक कर निकलती है। अलग अलग तरीके से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो देखेंगे कि स्वर का जो उच्चारण होता है उसमें हवा क्या होती है, हमारे मुंह से सीधी ही बाहर निकल जाती है बिना किसी रुकावट के, और जबकि व्यंजन के उच्चारण में हवा रुक कर बाहर निकलती है। तो देखो जैसे हमें बोलना है ए, हम बोल देंगे ए, बस सीधी हवा बाहर, ई सीधी हवा बाहर, मतलब हवा के कंठ से बाहर निकलने में किसी भी तरह की कोई बीच में रुकावट नहीं आती है। जबकि व्यंजन में क्या होता है, कभी जीभ दांत की स्पर्श करती है रुक जाता है बीच में, कभी होंठ बीच में आ जाते हैं, इस तरह मतलब रुकावट आती रहती है, उसकी बात हम डिटेल से अगली कक्षा में करेंगे। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा इस प्रकार बन जाएगी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है स्वर कहलाते हैं। बड़ा अच्छे से देखेंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। एक बात, दूसरी क्या बात है इसकी, कि इसकी एक और अन्य जो विशेषता होती है कि स्वर का उच्चारण हम स्वतंत्र कर सकते हैं, यानी स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। देखेंगे इसकी विशेषता, देखो ये क्या हो गया, एक विशेषता है इनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है, एक बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि इनका जो उच्चारण होता है वो कैसे होता है, स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब अपने आप उच्चरित हो सकते हैं इनके उच्चारण में, अन्य जो वर्ण है उनकी हमें सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। देखो जैसे ए बोलना है हमें, ए सीधा बोल देंगे, आ सीधा बोल देंगे, लेकिन आप कह बोलो, देखो कह, कह बोलने के लिए हमें ए की भी आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब कह क्या है, व्यंजन है, क्योंकि वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते हम, लेकिन स्वर को ऐसे हम सीधा ही बोल सकते हैं। ई
हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसमें क्या हो गया, इसका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र होता है, या स्वतंत्र कह सकते हैं, या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित, यानी स्वर जो है उनका जब उच्चारण करते हैं तो अन्य कोई भी वर्ण हमें इसमें सहायक नहीं चाहिए, हम इनका उच्चारण अपने आप कर देते हैं। तो दो खास विशेषताएं होती हैं स्वर की, स्वर का उच्चारण हम स्वतंत्र करते हैं, साथ में स्वर को मात्रा के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो ये बात स्वर की हो गई, एक बात बिना किसी बाधा के उच्चारित होते हैं, और इनका उच्चारण क्या होता है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के कर सकते हैं। अब देखेंगे आगे कि स्वर कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उनकी मात्राएं होती हैं। हमारे जो स्वर हैं वो 11 हैं, हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था इसको, ए आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये क्या है, हमारे 11 स्वर हैं। अब इनका एक आपको जो ध्यान रखना है, इनका क्रम बिल्कुल अच्छे से आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्रम क्या है, कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं क्रम क्या है आ जाएगा, लेकिन जैसे हमें सही ढंग से इसका क्रम आता है तो हम आगे जो स्वर संधि पढ़ेंगे बहुत आसानी से उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इनकी जो मात्राएं होती हैं, मात्राएं कितनी होती हैं, मात्राएं 10 होती हैं। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है एक ही, इसलिए इसको हम डॉट लगा के छोड़ रहे हैं। इसकी जो मात्रा होती है इस तरीके से होती है, इसकी जो मात्रा है ऐसे निकलती है, इसकी इस तरह से, इसकी जो विशेष जो हम लोगों को दिक्कत करती है वो इस तरीके से है। और यहाँ पर जिसकी मात्रा नहीं है वहाँ एक होती है, एक है वहाँ दो होती हैं, ये भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, ये बात हमें इस तरीके से ध्यान में रखनी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बातें हैं। इसको देखो किस तरीके से हम जोड़ते हैं, जैसे हमारा एक क है, अभी मैंने बात करी कि क जो व्यंजन जो है उसको स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है, यानी स्वर उसमें मात्रा के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। इसमें देखेंगे आप क में इसको जोड़ेंगे ए तो ये पूरा हो जाएगा, इसको जोड़ते का हो जाएगा, इसको जोड़ते की हो जाएगा, फिर ये बड़ी की बन जाएगी, इधर क्या हो जाएगा कु, इस तरीके से हो जाएगा, फिर ये क्या होगा यहाँ बड़ी मात्रा बन जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि इस तरह से ये कह के री की मात्रा इसमें जुड़ जाती है, और इसकी एक मात्रा बनेगी, जो एक मात्रा बन रही थी वो यहाँ जुड़ जाती है, इसकी दो बन जाएंगी, और इसकी एक मात्रा और इसकी दो मात्रा, इस तरीके से ये मात्राएं जुड़ती हैं। तो देखेंगे साथियों कि स्वर कौन से, ये 11 स्वर हैं, इनकी इस प्रकार से मात्रा होती है और ये जुड़ते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, आप लोगों को सब पता है, बस केवल इसका आपको ध्यान रखना है कि जो री है वो किस तरीके से जुड़ता है, कि ये क्री होता है, कृष्ण होकर कृष्ण, कृपा, इस तरीके से हम इसमें बहुत सारे शब्दों में इसको काम में लेते हैं। जैसे अभी हम एक र के साथ में भी दो हमारे स्वर हैं ये जोड़ने वाले हैं, जैसे उ और ऊ, तो जब ये छोटा ऊ जुड़ता है तो ये इस प्रकार बन जाता है, और बड़ा जुड़ता है तो इस प्रकार से बन जाता है। दो हम लोग केवल दो ही बना रहे हैं, क्योंकि हमारी हमें जो आवश्यकता इसमें दो की ही है सीखने की। तो देखो र के साथ में यदि छोटा ऊ होता है तो ये इस प्रकार से बनता है और ये सीधा सीधा होता है, और यदि बड़ा होता है तो ये गांठ के रूप में जाकर बन जाता है। आगे शब्द शुद्धि में, संधि में, इनमें भी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अभी से हम ध्यान रखेंगे कि छोटा कैसे होता है, बड़ा कैसे, यानी हम ये बात कर सकते हैं कि र के साथ में छोटा ऊ जोड़ेंगे तो ये रू इस तरीके से बनेगा, और यदि र के साथ में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो ये कैसे, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है कि बड़ा आने पर हम गांठ की तरह लगाएंगे, छोटा आने पर सीधा ही लगा देंगे। तो ये हमें एक बात और ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्वरों की मात्राओं को जोड़ सकते हैं। अभी हम आगे इसमें स्वर का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, उसको भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है क्या है, बस अभी तक की मात्राएं हमें जानकारी इसकी करनी है।
देखेंगे साथियों, ये हमारे 11 स्वर हैं और इनका हम करने वाले हैं वर्गीकरण। अब वर्गीकरण जो करते हैं स्वर का, वो वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? वर्गीकरण करते हैं 5 प्रकार से। देखें, स्वर का हम वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं और वो 5 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं, एक बार हमारे दिमाग में थोड़े से हम बिठाने की कोशिश करेंगे। ये स्वर जितने भी हैं, इनका हम उच्चारण हमारे मुख के अंगों से करते हैं। ये स्वर जो हैं, एक है पहला जो इसका वर्गीकरण है कि इनके, इनमें से जो स्वर हैं, कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो एक वर्गीकरण का आधार तो हो गया स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय। एक बात हो गई कि इनके उच्चारण में कितना समय लग रहा है, आप खुद देखेंगे। जैसे ए बोलते हैं, ए आ बोलते हैं, थोड़ा लंबा खींचते हैं, तो उच्चारण में समय का अंतर होता है। दूसरा, हम जब इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ कैसे हो जाते हैं, होठ गोल होते हैं या नहीं होते, इस आधार को बनाकर एक दूसरा वर्गीकरण है। तीसरा ये है कि इन स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ की स्थिति क्या रहती है, जीभ है आगे आती है, पीछे जाती है या बीच में रह जाती है, इस आधार पर इसका तीसरा वर्गीकरण करते हैं। चौथा वर्गीकरण इसका जो है, देखें एक बार, एक तो उच्चारण में कितना समय लगता है, दूसरा होठ गोल होते हैं या नहीं होते, जीभ आगे पीछे बीच में कहाँ रहती है, और चौथा है हमारा मुख कितना खुलता है, हमारा मुख अंदर से कितना खुलता है, बंद रहता है, थोड़ा सा आधा बंद रहता है, आधा खुलता है और पूरा खुल जाता है, मुख के खुलने की स्थिति, ये इसका चौथा वर्गीकरण है। और पांचवा वर्गीकरण है कि इन स्वरों का उच्चारण हमारे मुख के कौन से स्थान से होता है, उच्चारण स्थान क्या है उसका, ये 5 प्रकार से हम इसको वर्गीकृत करने वाले हैं। तो पहले जो हमारा स्वर का जो पहला वर्गीकरण है वो हम पढ़ रहे हैं, उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम इन स्वरों को वर्गीकृत करते हैं, उच्चारण में कितना समय लग रहा है। तो उच्चारण में क्या होता है, अब समय को कैसे काउंट करेंगे, या तो समय कम लगता है या समय ज्यादा लगता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। इस आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ, ये हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो, ह्रस्व जो होते हैं उनके उच्चारण में क्या होता है, कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में क्या होता है, कम समय लगता है। और जबकि दीर्घ जो होते हैं इनके उच्चारण में क्या होता है, इस ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय, ह्रस्व स्वर से ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, या फिर हम कह सकते हैं अधिक समय लगता है। सामान्य कैसी भी परिभाषा बनकर आ सकती है, हमें ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी क्या कहते हैं, ह्रस्व है के अंदर रे लगा हुआ है, ह्रस्व स्वर। और दीर्घ कौन से होते हैं, वे जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, या हम कह सकते हैं अधिक समय लगता है। अब देखो, ह्रस्व स्वर हैं कौन कौन से, तो देखेंगे, एक तो ये ए, ई, उ और री, ये 4। देखो पहला ले लीजिए, अगला छोड़ दीजिए, फिर ले लो, फिर अगला छोड़ दो, फिर ये ले लीजिए, फिर अगला छोड़ दो, फिर ये ले लीजिए, फिर सारे छोड़ दो। और इस प्रकार से क्या है, 4 हमारे क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। तो कौन कौन से हो गए ह्रस्व स्वर, ए, ई, उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर हो गए, ए, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर हैं। और बच गए जो सारे के सारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ में क्या हो जाएगा, आ, बड़ी ई से बड़ा हुआ जाएगा, और ए, आई, ओ, आ, ये ह्रस्व स्वर से दुगुना समय जिनमें लगता है वो ये हैं।
ये बात हुई। तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ए, ई, उ, री हर्ष स्वर हैं, बच गए जो शेष सारे के सारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हर्ष स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं, हर्ष स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं और हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, ये हमें और ध्यान में रखने वाली बात है। देखो ये छोटे होते हैं, उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इनको लघु कहते हैं, और मूल इनको इसलिए कहते हैं कि इनके टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इनको मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं और इनको कुछ जगह संधि स्वर भी कहा जाता है। ये दीर्घ स्वर है, गुरु स्वर कहते हैं, लघु से बिल्कुल विपरीत होता है। और जो हमारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने छंद की कभी कक्षाएं ली हो या छंद कभी पढ़ा हो, उनको पता होना चाहिए कि यह हर्ष स्वर जो होता है इसकी एक मात्रा होती है और इसकी दो मात्राएं होती हैं। साथ ही यहाँ जो हम मात्राओं की बात कर रहे हैं, ये हमारी जो मात्रा हम छोटी बड़ी लगाते हैं उनकी बात नहीं है, ये छंद शास्त्र की है, केवल उन्हीं के लिए काम की है जिनको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे मात्राएं होती हैं। एक और दो मात्राएं भी समय के आधार पर लगती है वहाँ पर। तो ये हमारा क्या हुआ, उच्चारण में कितना समय लगता है, कम लगता है या अधिक लगता है, इसके आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा, हर्ष्व और दीर्घ। हर्ष्व स्वर का अन्य क्या नाम है, मूल स्वर और लघु स्वर। कौन कौन से हर्ष्व, ए, ई, उ, री और बाकी बच गए जो शेष सभी दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ स्वरों में क्या होता है, हर्ष्व स्वर से दुगुना समय लगता है या कह सकते हैं सामान्यतः अधिक समय लगता है, और इन्हें गुरु स्वर और संधि स्वर भी कहते हैं। इतनी बातें हमने पढ़ी। अब देखो ये जो दीर्घ स्वर है ये फिर से दो भागों में बटा हुआ है। ये दीर्घ स्वर को हम लोग दो भागों में बांटते हैं और एक को हम बोलते हैं सजातीय, सजातीय स्वर कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं विजातीय, विजातीय स्वर। विजातीय का ही एक जो और जो नाम है वो है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर भी इसका एक अन्य नाम है। देखिए इन दीर्घ स्वरों को दो भागों में बांटा, मतलब इन सात को हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक सजातीय एक विजातीय। नाम से थोड़ा सा यूं लगा होगा सजातीय, एक ही जाति के, एक ही तरह के गुणों वाले, विजातीय यानी अलग अलग जाति के, मतलब अलग अलग तरह के गुणों वाले। और इस विजातीय को क्या नाम देते हैं, संयुक्त स्वर। परीक्षाओं में जो ज्यादातर पूछा गया वो संयुक्त ही पूछा गया है, सजातीय और विजातीय इतना प्रचलन में नहीं है। सजातीय स्वर जो है वो इस शुरू के तीन हैं, कौन कौन से हो गए, आ, ई और उ, ये सजातीय हो गए, आ, ई, उ सजातीय स्वर हो गए। और ये जो बच गए जो क्या हैं, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमें ध्यान में रखना है। देखो आ, ई, उ क्या हो गए, सजातीय स्वर हो गए, ए, ऐ, ओ, औ क्या हो गए, विजातीय स्वर हो गए। तो ये हमें और बात ध्यान रखना, मतलब इस दीर्घ को भी हमने दो भागों में बांट दिया। देखो क्या है कि सजातीय स्वर जो हैं ये आ, ई और उ, ये जिन जिन से मिलकर बने हैं, जैसे आ किससे मिलकर बना है, ऐसे और आ से आपस में मिलकर बन सकता है, ए ऐसे भी बन सकता है, ए आ से भी बन सकता है, आ ऐसे भी मिलकर बन सकता है, और आ को मिलाने से भी बन सकता है, ये हम बाद में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे संधि में। तो ये क्या है, ये जिनसे भी बना है उन दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है, कंठ। ये जिन दोनों से मिलकर बना है उनका उच्चारण स्थान एक ही है, तालु। और ये इनका जिनसे भी मिलकर बना है उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, मतलब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले दो स्वरों से मिलकर ये बने हैं। ये क्या है, ये भी मिलकर बने, लेकिन दो अलग अलग जगह के उच्चारण स्थान से बनने वाले निकलने वाले स्वरों से मिलकर बने। जैसे एक एक ही बात करते हैं तो एक किससे मिलकर बना है, ए और ई, और ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का तालु, यहाँ से मिलकर बने। हो सकता है कुछ की उच्चारण स्थान की किसी को जानकारी नहीं हो, तो अभी आज की कक्षा में हम इसकी भी जानकारी करेंगे और अगली कक्षाओं में भी। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल इतना आप ध्यान में रखिए कि ये सजातीय होते हैं और ये संयुक्त स्वर होते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि संयुक्त स्वर कभी कभी हमें परीक्षाओं में पूछ भी दिए जाते हैं। तो ये हमारा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो वर्गीकरण था वो हुआ। अब इसके बाद में हम छोटी सी जो एक और बात करने वाले हैं
वो है प्लुत स्वर। एक और नया नाम है प्लुत स्वर। अब देखेंगे कि प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत क्या होता है कि कुछ ऐसे स्वर भी हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग जाए ऐसे स्वर होते हैं, वो कहलाते हैं प्लुत। प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो और ये प्लुत स्वर, अब हमारे तो स्वर बचे ही नहीं, खत्म हो गए सारे, अब प्लुत कहाँ से लाएं। प्लुत स्वर वास्तव में हिंदी में प्रचलित नहीं है। ये कभी कभी हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें एक ऑप्शन उसका बना दिया जाता है कि एक दीर्घहर्ष और एक प्लुत डाल देंगे, कुछ और डाल देंगे, इस तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लुत क्या है। और जिन लोगों को रीट की संस्कृत से परीक्षा देनी है उनके लिए तो थोड़ा काम का रहेगा कि कहीं बात मान लीजिए कि वहाँ कहीं पूछ भी लिया जाए। तो प्लुत क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, प्लुत। और दीर्घ स्वर से अधिक का मतलब हुआ कि दीर्घ स्वर में हर्ष्व से दुगुना लगता है और प्लुत में हर्ष्व से तिगुना समय लगता है। एक बात हुई। दूसरी, ये हिंदी में प्रचलित नहीं है, संस्कृत में प्रचलित है। अब जैसे ओम बोलते हैं, हम ओम को कहते हैं ओम, ये लंबा खींच जाते हैं और फिर बोलते हैं, तो वो भी क्या है, प्लुत है। इसमें देखो क्या क्या विशेषता हो गई। एक तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है इनके उच्चारण में, एक बात। दूसरी क्या है, संस्कृत में प्रचलित है। संस्कृत में प्रचलित होते हैं ये। और एक और बात क्या है, जैसे एक उदाहरण के रूप में हम क्या करते हैं, ओम, ये देखो तो लंबा खींचते हैं ओम, तो ये क्या है, लंबा खींचने की वजह से ये दीर्घ स्वर से अधिक समय लग गया, प्लुत होते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, बाकी और कोई विशेष बात नहीं है। हमने स्वर का पहला जो वर्गीकरण है वो पढ़ लिया है, उच्चारण में कितना समय लगता है। अब इसका हम दूसरा जो वर्गीकरण है वो पढ़ने वाले हैं, ओष्ठाकृति। के आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर देखेंगे क्या होता है, होठों की आकृति कैसी हो जाती है इसके आधार पर इसको हम देखते हैं। होठों की जो आकृति होती है वो या तो होठ क्या होते हैं, गोल हो जाते हैं या गोल नहीं होते। तो देखेंगे होठों की आकृति, यानी इन स्वरों का जब उच्चारण हम करते हैं तो या तो हमारे होठ क्या होते हैं, गोल हो जाते हैं और या गोल नहीं होते। तो यदि होठ गोल हो जाते हैं उनको तो हम कहते हैं वृत्ताकार, और होठ गोल नहीं होते तो अवृत्ताकार। दो बातें हमें ध्यान में रखनी है, यानी इन स्वरों में जितने भी हमारे स्वर हैं इन स्वरों का जब उच्चारण हम करते हैं तो ये देखते हैं कि कौन से स्वर के उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, जिनमें गोल हो जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, वृत्ताकार। यानी वृत्ताकार का मतलब क्या होता है, होठ गोल हो जाते हैं, गोल लिख लीजिए। और इसमें क्या होता है, होठ गोल नहीं होते, ठीक है। यानी अब कौन कौन से में गोल होते हैं कौन से में नहीं होते, इसका तरीका हमारा क्या है, हम इसको बोल कर देख लेंगे, ठीक है। जिनको बोलने पर होठ गोल हो जाएंगे उनको हम वृत्ताकार में लिख देंगे, और गोल नहीं होंगे तो अवृत्ताकार में लिख देंगे। अब आप खुद देखेंगे, ए होठ गोल होते हैं नहीं होते तो क्या लिख करेंगे, अवृत्ताकार में यहाँ पर हम ए लिख देंगे। फिर आ, ई, ई, इनमें किसी में होठ गोल नहीं होते, ठीक है। फिर आप देखेंगे ऊ, ऊ बोलते हैं आप, देखो ऊ होठ गोल होते हैं, होठ गोल होते तो ये क्या हो गया, वृत्ताकार हो गया, तो ये हो गया ऊ। फिर बड़ी दूसरा हुआ है उसमें भी ऊ ऊ, ठीक है। फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर क्या हुआ, ए, अच्छा ए में भी होठ गोल नहीं होते, फिर दूसरे वाले ए में भी नहीं, फिर ओ में होते हैं,
फिरो ओ ओ। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो उ उ ओ ओ इनमें होठ क्या होते हैं, गोल होते हैं। बाकी और जितने भी स्वर हैं उनमें होठ गोल नहीं होते। बड़ा सरल सा तरीका है, हम बोल बोल कर देख लेंगे, हमें किसी भी तरीके से कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्वर का हमारा दूसरा वर्गीकरण था, कौन सा, होठों की आकृति कैसी हो जाती है, पहले समय कितना लगता है, दूसरा होठों की आकृति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है या गोल नहीं होती, ये हमें ध्यान रखना है। चलो इसके बाद अब इसका तीसरा वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो इसका वर्गीकरण है वो है जिह्वा की स्थिति। देखो जिह्वा की स्थिति के आधार पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखो जो जितने भी स्वर हैं उनका हम जब उच्चारण करते हैं, उनको बोलते हैं, तो हमारी जीभ क्या होती है, आगे पीछे होती रहती है। अभी भी मैं जब बात कर रहा हूँ, जीभ कब आगे हो रही है कब पीछे हो रही पता नहीं चलता, तो जीभ आगे पीछे होती रहती है। तो जीभ क्या होती है, तीन स्थितियों में जाती है, या तो किसी भी स्वर के उच्चारण में वो आगे चली जाती है, या वो पीछे चली जाती है, या वो बीच में रह जाती है। तीन स्थितियों में ये चलता है। तो ये जीभ की जो स्थिति है इसके आधार पर हम इसको तीन भागों में बांटते हैं, एक अग्र, एक मध्य और एक पश्च। अग्र मध्य पश्च तीन भागों में हम इसको बांटते हैं, अग्र मध्य पश्च। ठीक है, अब हमें बोलने जब हम बोलते हैं इनको तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी जीभ कौन से स्वर में आगे आ रही है कौन से में पीछे आ रही है। तो हम इसके लिए एक छोटा सा जो डायग्राम हमने तैयार कर रखा है वो आपको बताता हूँ मैं, इसको आप देखेंगे, इससे हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्वर किस प्रकार से आगे पीछे होता है। ये हमारे जीभ के हमारे मुख के अंदर की स्थिति है, देखेंगे आप इसको, ये हमारे मुख के अंदर की स्थिति है। देखेंगे इसमें क्या है, यहाँ हम लिख रहे हैं ए आ, बस आपको इतना ध्यान रखना है, और ये सब बाहर का कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, ये बॉक्स अंदर का बना लेंगे, और कहाँ पर कौन सा स्वर है वो रखने की कोशिश करेंगे, ए आ, फिर यहाँ क्या है ई, फिर ई, इसके बिल्कुल सामने ऊ, फिर इसके सामने ऊ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया ए और इसके बीच में आई, फिर यहाँ ओ और औ, ये हो गया। री को हम इसमें नहीं ले रहे हैं, री का जो उच्चारण होता है वो व्यंजन की तरह होता है, इसलिए हम इसको इस वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं करते हैं। देखो तो ए कैसे कैसे लिखेंगे, ए आ, ई ई, ऊ ऊ, ए आई, ओ औ, इस तरह से इसको हमने बांट रखा है। तो ये बात हमें विशेष कर ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से इसका जो है, किस प्रकार से कौन से स्वर को कहाँ रखना है, ये ध्यान रखना है। तो देखो ए आ, ई ई, ऊ ऊ, ए आई, ओ औ, इस तरह से हम इसको बांट देंगे, बस और कोई खास बात इसमें नहीं है। देखेंगे अब आपको क्या करना है कि आगे वाली लाइन पर जो आगे वो क्या हो गई, अग्र हो गई, ये अग्र हो गए, बीच वाली लाइन में क्या हो गए, मध्य हो गए, यहां पर जो आ रहे हैं बीच में, और ये सब क्या हो गए, पश्च हो गए। बस जो जिस लाइन पर सेट है, आगे वाली को अगर, पीछे वाली को पश्च, और एक बीच में है ए, उसको मध्य कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर कौन से हो गए, ई ई और ए आई, अग्र हो गए, ठीक है, मध्य क्या हो गया, ए हो गया, पश्च क्या हो गया, आ, ऊ, ऊ, ओ।